तो थोड़ा सा मतलब अश्विन वगैरह भी ज्यादा रुक जाते भाई, जब एक बड़ा भाई खेल रहा है बैटिंग कर रहा है तो आपका काम है सिंगल सिंगल लेके नहीं दो यार, यार, देखे थोड़ा सा अक्षर ने बड़ा मतलब। साथ दिया, एक सौ अक्षर ने तो बहत्तर दिया, मैं अक्षर का नाम नहीं दिया, नहीं मैंने अश्विन अश्विन का का नाम ऐसे ही दिया, होता है ना पे। मैंने अक्षर की बात ही अब नहीं की। देखे, यू आर ग्रीडी, आई एम आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम रियलिस्टिक, ओ भाई जान, देखे छत जो रहा पुरानी बनी हुई है, मेहरबानी कर दे। देखो ये बात ग्रीडी वाली तब होती कि जैसे उसका 100 आया था मैं साथ ही कहता जी 200 भी आना चाहिए, लेकिन जैसी 150 के काम नजदीक पहुंचा तो तब अगर बात की कि 200, तो वो ग्रीडीपन में नहीं आता भाई, चले 99 रन्स का सेशन ठीक था ना, वो रियलिस्टिक पन में आता है। एनीवेज थोड़ा सा साथ देना चाहिए था अश्विन को भी, और जब जाहिर है कोई चॉइस नहीं रहेगी तो विराट कोहली ही थॉट के भाई अब तो कुछ नॉट आउट ही चले जाएंगे वापस, तो बेहतर है टीम के लिए जरा रन्स थोड़े करें। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया है। टेस्ट करियर में ये विराट कोहली का 28वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने करीब 3 साल का लंबा इंतजार खत्म किया है। कोहली के बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक 2019 में निकला था। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब टीम इंडिया को उनके कमाल की ज़रूरत थी तब कोहली ने सेंचुरी का सूखा खत्म किया है। विराट कोहली ने आखिरी बार टेस्ट में सेंचुरी 22 नवंबर 2019 को बनाई थी, जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 136 रनों की पारी खेली थी। यानी विराट कोहली के बल्ले से कुल 1205 दिनों के बाद टेस्ट सेंचुरी निकली है। T20 और वनडे के बाद विराट कोहली ने अब टेस्ट में भी सेंचुरी का सूखा खत्म कर लिया है। आखिरी टेस्ट शतक से लेकर अब तक विराट कोहली ने 24 टेस्ट खेले हैं। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 28.2 की औसत से रन आए हैं। विराट कोहली ने इस दौरान 41 पारियों में 1128 रन बनाए, जिसमें कोई भी शतक शामिल नहीं था। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 5 ही अर्धशतक निकले, यानी 42वीं पारी में विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला है। विराट के शानदार शतक पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। 186 बहुत ही शानदार और जानदार, अगर ख्वाजे की 180 की आई है तो उससे ऊपर ही 6 रन ऊपर रख के गई है। तो इस इनिंग्स ने जाहिर है कि विराट कोहली पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे बहुत ज़्यादा लोग, उनको भी बल्ले से जवाब दिया है। रादर देन टॉकिंग फ्रॉम माउथ, इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव रिप्लाई फ्रॉम योर बैट, एंड दिस इज व्हाट ही डिड एग्जैक्टली। और उससे हेल्प भी हुई है इंडिया की कि 91 रन, 480 ऑस्ट्रेलिया ने किया था फिर भी उसके ऊपर 91 रन इंडिया डाल के ही इनिंग्स का इख्तिताम हुआ है, वो नहीं आ पाया अय्यर। और पता नहीं अब खुदाई जाने के क्या हुआ, और इतनी क्या बैक पेन पता नहीं बाहर कौन से कोई हैवी डंबल उठा लिए जो बाहर बैठे बैठे हो गया। एक ही फिटनेस किंग है। हाँ। तो बहुत शानदार दिन रहा इंडिया के जो क्रिकेट फैंस है, खास करके विराट कोहली के, दे आर वेरी डिलाइटेड। और अगर इस बैटिंग पिच पे भी ऑस्ट्रेलिया के 480 को ये मैच ना करता इंडिया तो डिसअपॉइंटिंग बात होती। मैच भी किया बल्कि उससे ऊपर भी गए। अब जो कहानी है, 91 रन ऊपर थे, 2-3 रन हुए ऑस्ट्रेलिया के, खत्म हो गया। अब एक दिन रहता है मैच के बाद, अभी वो आशा भोगले साहब अक्षर पटेल से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे बताओ भाई पिच का कोई है इसमें कोई जादू शादू पांचवें दिन के लिए या बस मुश्किल ही है। तो उसका कहना था कि अगर थोड़ा सा टाइम कोई बैट्समैन गुजार लेगा तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे बॉलर्स के लिए। हाँ, अगर जो क्रैक्स वगैरह हैं, जो पैचेस बने हुए हैं, जो फुट मार्क्स वगैरह, उस पर कुछ लग लगा के गेंद कहीं नीचे रह जाए कहीं ऊपर रह जाए, वो एक अलग कहानी है, वरना बहुत ज़्यादा कुछ जान बकौल अक्षर पटेल नहीं है। तो अब जानेंगे इनिंग्स पे कैसी इनिंग्स रही ओवरऑल और मैच कहाँ पे खड़ा हुआ है। और जाहिर है अब एक वाला एलिमेंट तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, विच इज़ के इंडिया लाइक दे वोंट बी विनिंग द मैच, लूजिंग द मैच, वो वाला एलिमेंट निकल गया कि अब ये हार नहीं सकेंगे, मोस्ट लाइकली ड्रॉ, फिर शायद ऑस्ट्रेलियन डिफीट, और बस यही दो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, ही वाज नॉट वेल। हाँ जी, उसकी तबीयत खराब थी, अनुष्का ने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली है, और सबसे लंबी, दूसरी अपने कैरियर की सबसे लंबी इनिंग्स खेल गया। किसकी तबीयत खराब है? विराट की खराब थी। अच्छा? इसके बावजूद खेला और दूसरी लॉन्गेस्ट इनिंग अपने कैरियर की। तो अगर तबीयत खराब में ऐसा खेला तो फिर कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाए, ज्यादातर खराब ही रहनी चाहिए, खराब ही रहनी चाहिए, यही कह रहा हूँ, ज्यादातर खराब रहनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि रमीज राजा साहब को कैच है तो नहीं छूटे। हाँ, वो एक कैच हैंड्स को हमने छोड़ा, एक ही रन उसके बाद बना, कोई 185 नहीं बने थे उसके बाद, तो कोई कमी कुताही तो नहीं रह गई विराट कोहली की इनिंग्स में। लेकिन यहां मैं अक्षर पटेल की इनिंग्स की बात जरूर करना चाहूंगा। वो 162 रन की पार्टनरशिप में 79
रिजवान साहब 79 रन्स कंट्रीब्यूटेड बाय अक्षर पटेल. सो इफ रादर देन जुदेजा द पॉइंट इज रादर देन जुदेजा हैड द सेंट अक्षर पटेल अहेड यू नेवर नो क्या रन भी तेज बनते और इंडिया जो है बड़ी तेजी से लीड लेता. बहरहाल मेरा जाती ख्याल है देखिए वो बीमार था लेकिन आप एक चीज भूल गए क्या भाई पहली इनिंग में भी भरत साहब ने कैच छोड़ा अभी कुमन का कैच छोड़ दिया तो भाईजान कितने कैच इस प्लेसिड विकेट पे भी भरत से स्कोर नहीं इतना हुआ विकेट कीपिंग में भी कैच छूट रहे हैं. आगा चैंपियन साहब कह रहे हैं जी इंडिया थोड़ा स्लो खेला है. देखो जी 3.19 के रन रेट से एंड पे इन्होंने फिनिश किया 178 ओवर्स खेले ऑलमोस्ट दो दिन खेलते रहे तो ठीक हो गया एंड पे. पहले जरा थोड़ी रिजर्वेशन थी लेकिन ये जो दो सेशन है इसमें इंटेंशन नजर आई कि रन उतारे भी और फिर ऊपर भी 91 रन चढ़ाएं. सो इट इज गुड. प्रकांत सिंह कह रहे जी न्यू रोड बिल्ड बाय क्रिएटर फ्रॉम पिंडी टू अहमदाबाद. देखो भाई हम चाह रहे थे कि थोड़ी बेहतर पिच हो जो कि बात है सीधी सी लेकिन इतनी सीधी पिच हो ये हम नहीं चाह रहे थे. ये बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है. पहले दो दिन दो एक नागपुर में मैच था और दिल्ली में उसके बाद फिर तीसरी जो इंदौर वाली पिच आई वो तो बहुत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह थी और ये वाली बिल्कुल ही द अदर वे. तो थोड़ा बीच का कुछ नहीं है क्या मतलब जो जिसमें हो 300-350 रन हो पिच पे फॉर एग्जांपल जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है 350 इस तरह के रन्स तो उसका रिजल्ट आ ही जाता है पांचवें दिन मोस्ट लाइकली ड्रॉ के अलावा. तो ये बहुत एक्सट्रीम है या तो दो दिन वाली पिच है या 10 दिन वाली पिच है. तो बीच का कुछ रास्ता वैसे होना चाहिए था आइडियली तौर पे. मार्क पर क्या है दो दिन से ही हमें 20 दिन वाली पिच पे ले आए हैं. उसने पहले तो दो दिन बड़े खुश रहे हैं पहले तो हवा में रहे हैं जब इंडिया ने जवाब दंदन शिकन दिया तो जो है ये माइंड अब अय्यर जो है वो रूल्ड आउट हो गया जनाब ओडीआई सीरीज से भी मोस्ट लाइकली. चलो वो तो स्कैश का ही है वो पूरा हो जाएगा काम हिसाब किताब. देखिए विकेट तो मैंने आपको पहले दिन जब मैच शुरू हुआ मैंने आपसे कहा ये प्लेसिड पिच दे दिया पांचवें दिन चौथे दिन तीसरे दिन कोई एक आध बॉल बैठ जाए कॉर्नर इवन बाउंस आ जाए तो ये तो हिस्टोरिकली होता है. यास चाबरा कहेंगे नेवर एक्सपेक्टेड दैट इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन इन द सीरीज वुड बी अक्षर वेल प्लेड कोहली. तो अक्षर के क्या ज्यादा रन हो गए हमें पता नहीं हो सकता है 79 करके शायद हो गए क्योंकि उसने अच्छे रन डाले हुए थे. एनीवेज जी अक्षर की हम पहले भी तारीफ कर रहे थे अभी भी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही बाकमाल खेला बहुत ही शानदार खेला स्पेशली पहले दोनों मैचों में इसके नॉक्स अंडर प्रेशर थे इंडिया वाज डाउन एंड आउट. हाँ तो जो बात सच है वो सच है. आज चले आप मार्जिन दे दें 113 रन की जो पार्टनरशिप थी अश्विन के साथ वो बड़ी वाइटल थी. मैं वही आपसे आज कह रहा हूं आज भी हालांकि 162 की है लेकिन आज थोड़ा सा मार्जिन दे भी दें. टेस्ट करियर में ये विराट कोहली का 28वां शतक है. इसी के साथ उन्होंने करीब 3 साल का लंबा इंतजार खत्म किया है. कोहली के बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक 2019 में निकला था. ऑस्ट्रेलिया के सामने जब टीम इंडिया को उनके कमाल की जरूरत थी तब कोहली ने सेंचुरी का सूखा खत्म किया है. विराट कोहली ने आखिरी बार टेस्ट में सेंचुरी 22 नवंबर 2019 को बनाई थी जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 136 रनों की पारी खेली थी. यानी विराट कोहली के बल्ले से कुल 1205 दिनों के बाद टेस्ट सेंचुरी निकली है. T20 और वनडे के बाद विराट कोहली ने अब टेस्ट में भी सेंचुरी का सूखा खत्म कर लिया है. आखिरी टेस्ट शतक से लेकर अब तक विराट कोहली ने 24 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 28.2 की औसत से रन आए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 41 पारियों में 1128 रन बनाए जिसमें कोई भी शतक शामिल नहीं था. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 5 ही अर्धशतक निकले यानी 42वीं पारी में विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला है. तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन विराट कोहली के 28वें टेस्ट शतक पर. आपकी राय में अब ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो.